अम्बिदाई आप समर के लिए लेकर जा रही हैं ये जी मुझे दे दीजिए मैं लेकर जाती हूँ आप सुबह से इतना काम कर रही थक गई होंगी ना मैं लेकर जाती हूँ ना इस बहाने उनका हालचाल भी पूछ लूंगी पर रानी साहिबा रानी साहिबाई नहीं तो कहा है ना कि हम सब उनके कर्जदार हैं कुछ नहीं बोलेंगी वो दीजिए क्या कहा आपने ओह माय गॉड आई एम सो सॉरी बी केयरफुल आई एम सो सॉरी आई मुझे नहीं पता था कि आप थी वो क्या है ना कि माँ नहीं है ना हमारी तो माँ का साया हमेशा हमारे साथ रहता है तो सुबह सुबह उन्हें गुड मॉर्निंग कह देता हूँ दैट्स स्वीट एनीवेज गुड मॉर्निंग Here's your bed tea. Thank you. अम्बिदाई बिजी थी तो मैं ही लेकर आ गई वैसे how you feeling? आप कुछ ढूंढ रही थी? Not bad. नींद में भी आपको पता चल गया क्या करें अभी अभी एक्सीडेंट से बचा हूं ना तो नेचुरली आसपास की खबर रखनी पड़ती अगर आप जो कुछ ढूंढ रही हैं उसमें मदद चाहिए तो आई कैन हेल्प मेरा घर है यहाँ पे कहीं पे भी मैं कभी भी आ जा सकती हूँ कुछ भी ढूंढ सकती हूँ आई डोंट थिंक मुझे किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत है राइट मिस्टर समर एब्सोल्युटली वैसे अभी तक आपने बताया नहीं कि हाउ यू फीलिंग हम सब लोग इतने वरिड थे आपके लिए आई एम गुड बट इट सीम्स कि आपको आपकी प्राइवेसी की जरूरत है सो आई थिंक आई शुड जस्ट लीव बिल्कुल भी नहीं आपने इतना कुछ किया हम सबके लिए और मैं आपको रेस्ट भी ना करने दूं दैट्स गोना बी रॉन्ग ऑन माय पार्ट आप रेस्ट कीजिए गेट वेल सून थैंक यू फॉर द टी वैसे अरेंजमेंट्स काफी अच्छे किए थे आपने स्पॉट ऑन आई मस्ट से लेकिन एक छोटी सी कमी रह गई थी सिक्योरिटी उसमें थोड़ा सा फोकस कर लेते तो अच्छा रहता वो क्या है ना शादी का पूरा मजा ही खराब हो गया मे बी बेटर लक नेक्स्ट टाइम एंजॉय योर टी बड़ी अजीब लड़की है ये सुबह आई और मुझसे चाय की ट्रे लेकर चली गई पता नहीं क्यों अजीब नहीं मासी बहुत ही अलग है एकदम तेज तरार टोटली माय टाइप महल की आबोहवा में नहीं पली है ना इसलिए नाक कुछ ज्यादा ही तेज है सूंघने आई थी कोई सुराख मिल जाए और शायद उसे सबूत मिल भी जाएगा मासी इस पर नजर रखनी पड़ेगी ये कब कहां किसको मिलने जाती है सब पता होना चाहिए मुझे बहुत शातिर है ये लड़की शिव मान की तबीयत कैसी है अभी क्या कहा डॉक्टर ने अभी मान स्टेबल है मैं आ जाऊं क्या वहां पे मे बी आई कैन बी ऑफ सम हेल्प नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है हम और मां यहां पे सब कुछ संभालेंगे पर आप चिंता मत कीजिए मान को जल्दी डिस्चार्ज मिल जाएगा दैट्स गुड न्यूज शिव इफ यू डोंट माइंड मैं सोच रही थी कि आज रात को कैन आई ऑर्गेनाइज अ स्मॉल फैमिली डिनर इतना सब कुछ हो रहा है यू नो सब इतने परेशान है इतने स्ट्रेस में है आई जस्ट थॉट कि सब लोगों को थोड़ा बेटर फील होगा बस हम सब घर वाले एंड सर्वेंट्स को भी बुला लेंगे इफ दैट्स ओके विद यू और स्वाति और राघव की भी अभी अभी शादी हुई है उन दोनों को भी अच्छा लगेगा और
मान भी आ जाएंगे घर तब तक। बहुत किस्मत से मिले हैं आप हमें, जो आप हमारे बारे में और हमारे परिवार के बारे में इतना कुछ सोच रही हैं। थैंक यू, लव यू। आई लव यू टू शिव। अपना ध्यान रखना, और हाँ मान से कहना कि हम सब बेसब्री से उनके घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। ओके, बाय बाय। आज वो दुश्मन कहीं पे भी छुपा हो, बच के नहीं निकल पाएगा। आज रात उनको मैं पकड़ के रहूंगी। हाँ हाँ, मैंने अलमारी में देख लिया है। मैंने कमरे के कोने कोने में देखा, हर जगह ढूंढा, लेकिन मुझे ईयरफोन नहीं मिला। अभी लोहा करूं मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई गड़बड़ हो। मैं अभी जाकर सामने इंद्र का काम तमाम करती हूँ। ये धमाका बरोद परिवार को हिला कर रख देगा और हमें हमारे लक्ष्य के और करीब ले जाएगा। मतलब सच में अंबिताई मेरे रहते हुए अब बारूद परिवार के किसी भी सदस्य के बाल भी नहीं भागा कर पाएंगे। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कुछ कहा था ना, जाओ ब्रेकफास्ट टेबल चेक करो, जो सामान जहाँ रखना है वहाँ रखा है या नहीं। जी। किसी पर इतना भी निर्भर नहीं होना चाहिए शिवेंद्र, कि उसकी गैर मौजूदगी में गले से निवाला भी न उतरे, और जिसके लिए इतने परेशान हो उसे यहाँ आने की फुर्सत भी नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है माँ, जो कुछ हुआ और जो कुछ भी हो रहा है उससे सुरीली काफी अपसेट है, और जब बात उसके परिवार की आती है तो हमारा परिवार शिवेंद्र, इस परिवार की फिक्र करने के लिए अभी बारोत जिंदा है। किसी अहूजा बैनर्जी को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। सैम बाबा, आपके लिए दूध। थैंक यू। वो दूध मत पीना गलती से भी, उसमें जहर है। जहर? What? क्या? क्यों अम्मी दाई? सही कहा ना मैंने? सुरली, ये तुम क्या कह रही हो? ये दूध तो अम्बिता ही लेकर आई है सैम के लिए, इसमें जहर कैसे हो सकता है? Exactly my point, शिव। किसी पे विश्वास करना अच्छी बात होती है, लेकिन अंधविश्वास करना गलत होता है। आप जानती है किस पर उंगली उठा रहे हैं आप? अम्बिदाई हमारी भरोसेमंद सेवक है, वो ऐसा क्यों करेगी? इसका जवाब तो खुद अम्बिदाई ही दे सकती है। कि इन्होंने सैम के दूध में जहर क्यों मिलाया,
और शिव को भी मारने की साजिश इन्होंने ही की थी। मैंने कहा था ना आप सबसे कि मोंटी तो बस एक जरिया था, असली प्लेयर तो अंबिदाई है। बस सुरीली, आपको इस घर में रहने की अनुमति मिली है, घर वालों को कटघरे में खड़ा करने के लिए नहीं। इस महल में काम करने वाला हर व्यक्ति वफादार है। सबका तो मैं नहीं जानती माँ, लेकिन ये अंबिदाई तो 100% वफादार नहीं है। आप हद से आगे जा रही हैं सुरीली। ये आपकी अच्छाई है माँ कि आप हाउस हेल्प को भी घर के मेहमान की तरह ट्रीट करती है, लेकिन क्या है ना, हर कोई बारूद नहीं होते हैं। दुश्मन गले लगकर भी पीठ पर वार कर देता है। क्यों अंबिदाई, सही कह रही हो ना मैं? सुरीली तुम शिव प्लीज बस एक मिनट दे दो मुझे। आप भी क्या कह रही है बहू रानी? रानी साहिबा, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, सुरीली जी हम पर शक कर रही है। 20 साल किसी की भी जिंदगी का बहुत बड़ा वक्त होता है, और जो हमने आपकी सेवा में दिया है, आप हमें जान से मरवा दीजिए, लेकिन हम पर इतना बड़ा इल्जाम मत लगवाइए रानी साहिबा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।